Hello and welcome to my YouTube channel Neat Biology Made Easy. तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. हम आज के इस वीडियो में आज के इस लेक्चर में आपको हम कोई भी टॉपिक बायोलॉजी का नहीं बताना चाहेंगे. आज हमारा फोकस रहेगा जो NTA है, यानी NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि किस तरह के प्रोविजनस जो नीट 19 का होगा वो किस तरह से होगा, कौन कौन से चेंजेस आ गए हैं इसमें, और जो नई बॉडी बनी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, उस किस तरह का एग्ज़ाम होगा, क्या शेड्यूल होगा, कौन से चेंजेस आए हैं. इस वीडियो को इसलिए बहुत ही ज़रूर ध्यान से आप देखें ताकि आपको पता चले कि जो गवर्नमेंट ने हाल ही में ये नया जो NTA के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करने का जो ये प्रयास किया है, एक नया दौर लाया है, इसको आप देखें कि किस तरह के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे और किस तरह आप इससे आपको एक नहीं आपके लिए लाभदायक होगा. तो चलिए देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक मैं बताता हूँ, इट इज़ NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. तो बेसिकली ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री जो है, इसके जो यूनियन मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इसको हाल ही में अनाउंस किया है कि ये जो अगला एग्ज़ाम होगा वो यही कनेक्ट करेगी. तो कहाँ से हुआ इसकी शुरुआत, थोड़ा इसके बारे में बताते हैं कि बेसिकली इन बजट जो 2017 और 18 का बजट हुआ उसमें प्रोविज़न हुआ, उसमें जो आउटले था फाइनेंशियल आउटले, उसमें ये रखा गया था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये इसको बनाया जाएगा, इसको क्रिएट किया जाएगा और वो पूरे सारे एग्जाम्स कनेक्ट करेगी. तो फाइनली ये इसके बजट अप्रूवल के साथ ही एक यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई 10 नवंबर 2017 में ये कैबिनेट मीटिंग हुई, तो इसको अप्रूवल मिला है क्रिएट करने के लिए NTA को. तो क्रिएशन ऑफ NTA इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एक आप मान लीजिए एक ऐसी बॉडी बनी है जो बहुत ही ऑटोनॉमस होगी और ये सेल्फ सस्टेन्ड होगी, यानी इसमें जो इसका पैसा होगा वो खुद बनाएगी. ये ऑटोनॉमस बॉडी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑटोनॉमस बॉडी और सेल्फ सस्टेन्ड और प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट एग्ज़ाम फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स HAIs के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी. तो इसमें इन्होंने क्या किया, ये एक्चुअली इसकी स्थापना जो हुई है दैट इज़ इंडियन रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़, इंडियन रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़ एक्ट, यानी IRS एक्ट 1860, इसके अंतर्गत इसकी ये वजूद में आया, इसको इन्होंने बनाया है अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़ एक्ट 1860 के द्वारा, उसमें इसको रजिस्ट्रेशन मिली. और ये NTA जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो सबसे बेस्ट होगी एंड सबसे प्रीमियर होगी कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करने में. धीरे धीरे जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे यही कंडक्ट करेगी, इसका मेन फोकस तो यही रहेगा एग्ज़ाम कंडक्ट करने का. तो इसके बारे में थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने इसको क्यों बनाया है, क्यों ज़रूरत पड़ी है बनाने के लिए, क्योंकि जो CBSE के द्वारा एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते थे उसमें CBSE का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता था, उस बोर्ड एग्ज़ाम को बिकॉज ऑफ दिस बर्डन नीट या वो बाकी जो JEE मेन्स का एग्ज़ाम होता है उसको बोर्ड पे काफ़ी असर पड़ता था, बोर्ड एग्ज़ाम्स पे. तो उन्होंने बताया कि हमसे ये जो पूरा काम है ये ले लो यहाँ से, कोई इसमें कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. तो अकॉर्डिंगली ये NTA बनाया गया. तो देखिए अब इन्होंने क्या किया, एक सिटी में या टाउन्स में जो लोग इसमें एग्ज़ाम देना चाहेंगे उनका तो है ही है,
ये एक रूरल एरिया, एक जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं, जो स्टूडेंट्स रहते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर बनाए हैं, और इन हैंड एक्सपीरियंस विद कंप्यूटर नॉलेज, यानी कंप्यूटर के साथ, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो कंप्यूटर को चलाना सीखना, ये उन लोगों को इसी के द्वारा एक ट्रेनिंग भी दी जाएगी रूरल एरियाज़ में, ताकि हाँ सभी जो इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको आसानी हो। अब देखिए, इसका जो इसके चेयरमैन बनाया जाएगा, जो एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट होगा, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट इसका चेयरमैन होगा, और इसको मिनिस्ट्री द्वारा, जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो बनाएगी। यानी अगर हम नीट की बात करें या NTA, फाइनली एक अप्रूवल होगा थ्रू गवर्नमेंट, तो इसमें ये HRD मिनिस्ट्री जो है वो इसमें चेयरमैन कौन होगा, कौन सा पर्सन इसमें आएगा वो खुद बताएगी वो। और इसका फाइनली CEO है, ही विल बी कॉल्ड एज डायरेक्टर जनरल, इसका CEO है वो डायरेक्टर जनरल होगा, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन होगा जो एक एकेडमिशियन होगा, एक्सपर्ट होगा, और ये गवर्नमेंट के द्वारा इसको लाया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। और इसमें आप देखिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी होगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी होगा इसमें, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो मेंबर होंगे वो यूज़र इंस्टीट्यूट से आएंगे, वो यूज़र इंस्टीट्यूट से आएंगे इसमें काम करने के लिए। ये डायरेक्टर जनरल जो है ये थ्रू 9 वर्टिकल्स काम करेगा, इसके जो सबॉर्डिनेट होंगे वो 9 वर्टिकल्स होंगे, हेडेड बाई एकेडमिशन और एक्सपर्ट्स, ये सारे एक्सपर्ट्स होंगे अपने फील्ड्स में। तो ये इसमें बहुत इन्होंने काम किया है। अब देखिए, जो पहला बजट गवर्नमेंट ने इसको दिया है NTA को, ताकि ये पहला साल जो पहला एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी उसमें इन्होंने लगभग दैट्स 25 करोड़ रुपीज़ इनिशियल बजट आउटले या इनिशियल जो फाइनेंस होगा वो ये, इसके बाद ये खुद अपना पैसा बनाएगी, क्योंकि सेल्फ सस्टेन्ड है, ऑटोनॉमस बॉडी है, तो ये खुद पैसे बनाएगी। पहला बजट उसको दिया गया 25 करोड़ रुपीज़, तो इसमें लगभग 40 लाख के करीब जो लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। 40 लाख स्टूडेंट्स जो हैं उसको थ्रू आउट कंट्री उनको फ़ायदा मिलेगा। और इसमें देखिए आप, सबसे पहले क्या होता था, कुछ एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते थे, जैसे हम बात करें CBSE की, CBSE, अब ये CBSE नीट भी, नीट के एग्ज़ाम भी कंडक्ट करती थी, JEE का जो मेंस वो भी कंडक्ट करती थी, और UGC नेट भी कंडक्ट करती थी, इसी तरह ऑल इंडिया जो टेक्निकल का जो होता, ICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये भी एक दो एग्ज़ाम करती थी, जैसे CMAT का एग्ज़ाम ये कंडक्ट करती थी, CMAT का एग्ज़ाम यानी कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट जो होता था, और जो ग्रेजुएट फार्मेसी एडमिशन टेस्ट, GPAT, इसका भी एग्ज़ाम यही कंडक्ट करता था। अब इन दोनों को यहाँ से हटाया गया, ये पूरा काम जो इनका जो काम वो NTA करेगी। अब NTA को, अब देखिए लास्ट सैटरडे को ही ये पूरा अच्छा से अनाउंसमेंट हुआ है, और ये एग्ज़ाम अब यही करेगी। ये NTA को ज़्यादा तरजीह दी गई, इसको ज़्यादा आगे लाया गया, ताकि जो रिलायबिलिटी है, यानी रिलायबिलिटी वो बढ़ जाए, और ये जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है एग्ज़ाम्स के, इंटरनेशनल नॉर्म्स वो भी कायम रहें। और इसमें मैं कहूँगा जो स्टैंडर्डाइज जिसको हम कह सकते हैं स्टैंडर्डाइज्ड डिफ़िकल्टी, वो इसमें आएगी, एक डिफ़िकल्टी लेवल बनेगी, ताकि जो एप्टीट्यूड आदमी में होता है, स्टूडेंट में एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस, ये तीन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एक स्टूडेंट में कैसे आ जाएगा, ये इसका मेन फोकस रहेगा। इसलिए ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, तो आप देखिए जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से हटके होंगे, क्योंकि
क्योंकि इसमें एक्सपर्ट आएंगे, क्वेश्चंस के एक्सपर्ट आएंगे इसमें. ऐसा किया जाएगा कि जो लड़के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो अपेयर हो रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम में, वो वही आ जाएं जिनका ब्रेन बेस्ट हो, फिट हो. और इसमें ये बताया गया है कि जो प्रॉब्लम होती थी पहले एग्ज़ाम्स में, वो इसमें नहीं रहेगी, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है. तो ऑनलाइन होने के कारण या बाकी दूसरे जो इसमें वजूहत है, इसमें ये रहेगा कि आप, अगर आप बेस्ट स्टूडेंट हैं, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर, क्योंकि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन वो चेंज हो जाएगा. तो इसलिए आपको जो जो आप जिस तरह का आप पढ़ाई करते थे, उसमें काफ़ी परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ. तो अब इसमें देखिए, मैं इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए. जो क्वेश्चंस आएंगे वो बताया गया है, सुनने में आया या पढ़ने में आया. रिसर्च एंड जो साइंटिफिक टास्क उस तरह के डिज़ाइन होंगे इसमें, यानी रिसर्च बेस्ड एंड साइंटिफिक डिज़ाइन, साइंटिफिक डिज़ाइन के तरह क्वेश्चन इसमें आएंगे. और ये जो क्वेश्चन बनाएंगे, अब इनको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बनाने वाले कौन होंगे? एक्सपर्ट्स होंगे, दे विल बी एक्सपर्ट्स, दे विल बी रिसर्चर्स, रिसर्चर्स जो रिसर्च करने वाले हैं लोग, जो एक्सपर्ट हैं, और स्टैटिशियंस, स्टैटिस्टिशियंस इसमें आएंगे, ये लोग आएंगे इसमें, साइकोमेट्रिशियंस इसमें आएंगे, साइको मेट्रिशियंस इसमें ये लोग आएंगे. अब टेस्ट आइटम जो होते हैं, टेस्ट आइटम के एक्सपर्ट जो होते हैं वो इसमें आएंगे. अब इनको अलग अलग से देखें कितने सारे लोग इसमें आएंगे. और जो राइटर्स होते हैं, राइटर्स जो बेस्ट इसमें आते हैं, तो क्वेश्चन आइटम राइटर्स, और एजुकेशनिस्ट इसमें आएंगे, एजुकेशनिस्ट, और जो स्पेशल स्पेशलिस्ट हम कह सकते हैं, स्पेशलिस्ट. तो अब देखें, ये सारे लोग जब रहेंगे, तो आप देखिए क्वेश्चन का क्या हल होगा. आपका जो क्वेश्चन होगा, द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन विल बी वेरी डिफरेंट. क्वेश्चन से हमें खाली सुपरफिशियल नॉलेज नहीं पता चलेगी, बल्कि हमारे इन डेप्थ, जिस लड़के के पास इन डेप्थ नॉलेज है वो पता चलेगी. इसलिए मैंने एक वीडियो में कहा था कि किसी चीज़ को आप मग ना करिए, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लाएँ, ताकि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, अगर किसी ने मग किया है, दिमाग में रखा है ऐसे वैसे भर के, वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा. अब जिसने सही से पढ़ा है, सही से देखा है, एंड एडवांस्ड नॉलेज होनी चाहिए. जैसे बायोलॉजी की बात करें, तो जैसे डीएनए एनालिसिस के बारे में, या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या एनवायरनमेंट साइंस में आप देखें कि वहाँ पे पोल्यूशन का, पोल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म्स, जो बैक्टीरियल कंट्रोल होता है, बायो कंट्रोल होता है, बायो फर्टिलाइज़र, या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो होते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चन जो रिसर्च बेस्ड है, जो रिलेटेड है, यानी जो एडवांस्ड रिसर्च है, या अप्लाइड साइंस जो है, चाहे बॉटनी और जूलॉजी की बात करें, तो वो इसमें काफ़ी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन में काफ़ी चेंज आ जाएगा. तो हो सकता है आपका स्कोर कट जाएगा. इसलिए अब ध्यान से, ये जो तो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप चेंज लाइए तैयारी करने में. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था इसमें. तो अब देखें इसमें, अब इन्होंने क्या कहा कि वो मैं बाद में बता दूंगा आपको. अब देखिए, नीट का एग्ज़ाम अगर हम देखेंगे, नीट के बारे में अब इसको ध्यान से देखिए, देखिए क्या होगा. जो सिलेबस सिलेबस या क्वेश्चन के जो तरीके होते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट, क्यू फॉर्मेट, सिलेबस, क्वेश्चन फॉर्मेट, लैंग्वेज लैंग्वेज और फीस, जो फी होता है, ये सारे चेंज नहीं होंगे, ये वैसे के वैसे रहेंगे. सिलेबस विल बी सेम, क्वेश्चन फॉर्मेट विल बी सेम इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लैंग्वेज विल भी, जो भी लैंग्वेज आते हैं वो आएंगे, फीस इसमें कोई चेंज नहीं होगा. इसी तरह से ये देखिए आप, इसमें जब चेंज नहीं होगा तो कहाँ पे चेंज होगा? अब देखें, नीट में कहाँ पे चेंज होगा? सबसे पहले ये केवल ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन टेस्ट, ये खाली ऑनलाइन टेस्ट होगा.
दूसरा पॉइंट ट्वाइस इन ईयर, ट्वाइस इन ईयर दो बार होगा ये नीट एग्जाम। दूसरी बात, तीसरा इसमें यह है कि आपका जो स्कोर है दोनों, जब आप दो बार देंगे जो बेस्ट स्कोर आपके पास होगा वो आप वो कंसिडर करेंगे फॉर काउंसलिंग के द्वारा। बेस्ट स्कोर आउट ऑफ टू एग्जाम्स, सक्सेसिव एग्जाम्स, उसमें ये काम होगा। अब ट्वाइस इन ईयर मीन्स कब कहाँ होगा? देखिए ये जो ट्वाइस इन ईयर की आप बात करें, सबसे पहले पहला एग्ज़ाम फरवरी में होगा और मई में होगा, ये नीट की बात करें। इसी तरह अगर जेई जो मेन होता है उसका जनवरी और अप्रैल इसमें होगा। तो अब देखें ये जो फरवरी के, इसके लिए आपको फॉर्म कब भरने हैं, इसके लिए कब भरने हैं, ये पूरा शेड्यूल इन्होंने ऑलरेडी दिया है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए आपके पास 1 अक्टूबर 18 टू 31 अक्टूबर 18, एक साल दिया है, एक महीना दिया है, सॉरी 1 टू 31 अक्टूबर 18, या एप्लीकेशन भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम जो इसका होगा दैट विल बी इन फरवरी। इसका जो शेड्यूल दिया है 3 टू 17, 3 फेब 19 टू 17 फेब 19, ये 8 सिटिंग्स में एग्ज़ाम होगा। वो स्टूडेंट्स को चॉइस मिलेगी कौन सी सिटिंग में उसको बैठना है, एग्ज़ाम देना है। इट विल बी इन 8 सिटिंग्स, ठीक है। अब रिजल्ट जो इसका आएगा 1st week of March, ठीक, ये आपका फरवरी का है। अब मई का अप्लाई करने का जो डे है, जो टाइम है अप्लाई करने का, दैट इज 2nd week of March, दैट इज 2nd week of March। अब यहाँ पे देखिए 1st week में रिजल्ट आएगा, अब जिसका क्वालिफाई नहीं हुआ है वो 2nd week of March में फिर अप्लाई करेगा। और इसका फिर से एग्ज़ाम कब होगा? दैट विल बी 12 मई 19 टू 18, ठीक है। सॉरी इट इज 26 एक्चुअली 26 मई 19, ये इसका। एंड 1st week of June में रिजल्ट आएगा। यहाँ पे 1st week of March में रिजल्ट आ रहा है। अगर क्वालिफाई नहीं हुआ है 2nd week में आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं और फिर से एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं और आपका रिजल्ट जून में आ जाएगा। अब जून के बाद जुलाई में काउंसलिंग या जून में ही काउंसलिंग। अब दोनों का स्कोर, अगर आपको यहाँ पे 600 मार्क्स आए हैं और यहाँ पे आपको 400 मार्क्स आए हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो 600 मार्क्स है वो आपको कंसिडर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे 600 आए हैं, यहाँ पे 300 आए हैं, आपके 600 यहाँ पे आ जाएंगे, यानी जो आपका बेस्ट स्कोर है आउट ऑफ टू वो आपको दिया जाएगा। और इसके बाद एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, आपका सेशन चलेगा, क्लास चलेगा, पर्टिकुलर कॉलेज मिलेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टूडेंट फ्रेंडली एग्ज़ाम हुआ है, तो इसीलिए इसको बताया जाता है कि स्टूडेंट फ्रेंडली एग्ज़ाम है, स्टूडेंट फ्रेंडली टेस्टिंग एजेंसी है, ताकि आप बेस्ट चॉइस मिले। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आई हुई यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, या आपने ये स्कोर अच्छा बनाया यहाँ पे नहीं बन पाया तो आपका पहला वाला स्कोर कंसिडर किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इट इज़ स्टूडेंट फ्रेंडली, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि जो ये एग्ज़ाम होगा, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, इट विल बी बेस्ड ऑन इंटरनेशनल नॉर्म्स, ताकि हम उनको भी हम कोप करें, और ये साइंटिफिक होगा एग्ज़ाम, साइंटिफिक तरीके से कंडक्ट करेगी, और ओपननेस होगी इसमें, ओपननेस होगी, एंड इट विल बी स्टूडेंट फ्रेंडली। एंड जो लीक ऑफ जो लीक होता है कहीं पे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का, लीक प्रूफ होगा ये एचआरडी मिनिस्टर का कहना है कि लीक प्रूफ होगा, मोर रिलायबल, मोर फ्रेंडली, ओपन, साइंटिफिक।
और फुल प्रूफ, यानी यहाँ पे गलत करने का कोई आपके पास चांस ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है और पर्टिकुलर समय में ये एग्ज़ाम हो रहा है। आपने जो सीटिंग बताई है, और यहाँ पे जैसे आपने बताया 8 सीटिंग्स है, यहाँ पे भी 8 सीटिंग्स में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। आपको चूज़ करना है कौन से डेट पर आपको एग्ज़ाम देना है। 4 to 5 डेट्स पे ये एग्ज़ाम होगा, यानी 4-5 दिन एग्ज़ाम चलेगा। अब किस किस दिन होगा ये तो यही बताएंगे, वेबसाइट होगा HRD मिनिस्ट्री के जो मिनिस्ट्री, उसके वेबसाइट पे रहेगा डेट कब कब एग्ज़ाम होगा। हो सकता है दिन में ये 2 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम को इतना लंबा इसलिए खींचा गया क्योंकि जो अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स है उसको मद्देनज़र रख के ये बताया गया है कि कंप्यूटर जो पूरे कंट्री में एग्ज़ाम कंडक्ट करना है तो कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी वो एक समस्या हो सकता है। उसको ठीक करने के लिए ये बहुत सारे सिटिंग्स कर दिए गए हैं, इसमें बहुत सारे डेट्स कर दिए गए हैं, और 2 यानी 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम, ये तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है। मैं ये कहूँगा द बेस्ट स्टूडेंट कुड हैव फ्रॉम गवर्नमेंट इज़ दिस एग्ज़ाम, दिस NTA कंडक्टिंग एजेंसी। आप 2 बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके पास चॉइस ही चॉइस है, और आपका बेस्ट स्कोर कंसिडर किया जा रहा है, और आप बहुत सारे सिटिंग्स में एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत सारे डेट्स पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस आप, इनको आप याद रखिए। देखिए, ये जो एग्ज़ाम होता था CBSE का, उन्होंने कहा कि हम इतना लोड नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि CBSE का जो डिटेल था वो यही था कि वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के उससे लेके वो नीट एंड नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री से लेके नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से लेके ये जे एडवांस्ड जे मेन कंडक्ट करती थी, और इसी तरह जो ह्यूमन रिसोर्स से ही लेके आपका मैनेजमेंट के एग्ज़ाम फार्मेसी एग्ज़ाम ये कंडक्ट करती थी। तो इसको काफ़ी इसमें चेंज आ जाएगा, काफ़ी इसमें इसको फुर्सत मिलेगी। अब ये CBSE या इसका जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं वो ये करेगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जो IITs जो हैं दे आर कंडक्टिंग जे एडवांस्ड वो कंटिन्यू रहेगा, जो जे एडवांस्ड होते हैं थ्रू IITs दैट विल बी कंटिन्यूड, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो खुद करेगी। ये केवल NTA जो है दैट इज़ फॉर JEE मेन, ठीक है। तो जे मेन से लेके आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या सीरियस में फिर एडवांस में जा सकते हैं, फिर आप IITs में एडमिशन कर सकते हैं। तो ये इसमें काफ़ी सारा चेंज आ गया है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगले साल जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो क्या होगा। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट इसका एग्ज़ाम होगा, यानी जो NTA है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका फर्स्ट एग्ज़ाम कौन सा होगा, दैट विल बी UGC इज नेट इन दिसंबर, ठीक है। तो दिसंबर 18 में UGC का नेट इसका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, इसका खुद का टेस्ट होगा, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का खुद का टेस्ट होगा दिसंबर में कि कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, और ये भी ऑनलाइन होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए फॉर्म्स सितंबर में आएंगे। इसी तरह नीट के लिए जो है, जो लोग तैयारी करना चाहेंगे वो अक्टूबर में फॉर्म भर रहे हैं, और उनको बताया गया कि जो अगस्त अगस्त 18 एंड, यानी इस साल का जो अगस्त का एंड होगा, वहाँ से वो कंप्यूटर के साथ जो इनका NTA का रूरल एरियाज़ के लिए ट्रेनिंग शेड्यूल होगा वो स्टार्ट हो जाएगा एंडिंग दिसंबर इस अगस्त से। तो काफ़ी सारे चेंजेस आपने देखे हैं, कितना सारा इन्होंने चेंज किया है। इसका एक ही कारण बताया गया है कि इट विल बी साइंटिफिक स्टूडेंट फ्रेंडली एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स, मोर रिलायबल रिलायबल या ट्रस्ट ये कह सकते हैं ट्रस्ट वर्दी, बहुत ही इफेक्टिव होगा ये, और यहाँ पे बेस्ट स्टूडेंट है वो चुना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं तीन इस चीज़ इनकी हम यहाँ पे बताते हैं। एक तो इसमें रिलायबिलिटी बताई गई है, या लीक प्रूफ होगा ये, इसमें कोई लीक नहीं होगा। तो ये जब रिलायबल होगा, एक तो ये बताया गया,
दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि क्वेश्चन विल बी रिसर्च बेस्ड, तीसरा यहाँ पे बताया गया कि एक स्टूडेंट का मेंटल एबिलिटी या एप्टीट्यूड देखा गया, देखा जाएगा। तो ये है स्टूडेंट को चेक करने के लिए, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये तीन। और क्वेश्चन विल बी ऑन रिसर्च बेस्ड, द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन विल बी डिफरेंट, चेकिंग ऑफ स्टूडेंट विल बी डिफरेंट, एंड द बेसिक इसका जो एनटी का जो है ये मेन है, इट इज़ रिलायबल, इट इज़ लीक प्रूफ। तो इन चीज़ों तीनों को मिला के यही समझ आता है बड़े बड़े शब्दों में कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है, और जो रिजल्ट आते थे उसमें भी जो पैटर्न ऑफ रिजल्ट आता था वो चेंज हो जाएगा। हो सकता है रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में शिफ्ट करेगा रिजल्ट, या हो सकता है सोसाइटीज़ में, किसी भी क्लास में, सोसाइटीज में क्लास होते हैं, जो पैटर्न ऑफ रिजल्ट होगा वो देखने के लायक है, देखने को वो मिलेगा इस साल, क्योंकि उसमें चेंज आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत चेंज किया है तो उसमें चेंज आ जाएगा। तो आप, मैं लास्ट फाइनली पे जो नीट के स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, ये नीट बायोलॉजी का चैनल है, नीट बायोलॉजी का फोकस कर रहे हैं, तो नीट के जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर से आप याद रखें कि जो नीट का एग्ज़ाम होगा दैट विल बी इन फेबरवरी 19, फॉर्म अक्टूबर में भरोगे, अक्टूबर 18 में फॉर्म भरेंगे, 19 फेब 19 को एग्ज़ाम होगा, मार्च में इसका परिणाम आ जाएगा, रिजल्ट आएगा, फिर से आप मार्च में ही अप्लाई करोगे, आप फिर मई में आपका एग्ज़ाम, फिर जून में आपका रिजल्ट, तो फाइनली जुलाई में आपका कॉलेज कहाँ पे आप सिलेक्ट हुए हैं। आप यहाँ पे भी बेस्ट करें, यहाँ पे भी बेस्ट करें, हो सकता है कि यहाँ पे भी 600 आपको आ जाएंगे और यहाँ से भी 600 आ जाएंगे, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, फॉर्म कब भरने हैं, एग्ज़ाम कब होगा, तो इसलिए आप इसको आप फोकस करें। दूसरी बात ये है कि जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, यानी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, उसको आप थोड़ा सा पढ़ने में आप चेंज करें। आप जैसे मैं बायोलॉजी पढ़ाऊँगा तो उसमें जो रिसर्च बेस्ड है या साइंटिफिक मेथड्स वो ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे, या कुछ अप्लाइड जो बायोलॉजी है या एडवांस्ड जो रिसर्च हुए हैं या कुछ टेक्नोलॉजीज़ है, टेक्नोलॉजीज़ उन पे आप फोकस करें, ठीक है। तीसरा मैं आपको बताऊं कि आप जो खुद आप क्वेश्चन करते हैं, जो चार चॉइसेस रहते हैं, उनका टाइमिंग, उनका अप्रोप्रिएट आंसर और एसेशन रीजनिंग वो भी आ सकता है। तो क्योंकि इनको स्टूडेंट को एक क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी वो भी चेक करना है, तो आप देखिए काफ़ बहुत कुछ चेंज होने वाला है इसमें। और सबसे पहले आपको कंप्यूटर सीखना होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दें, अगर आपको नहीं चलाना आता है तो आज से ही सीखिए ताकि कोई डिफ़िकल्टी ना हो। एग्ज़ाम में आपको जो टाइम मिलता है वो क्वेश्चंस के लिए मिलता है, वो आपको कंप्यूटर सीखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए अगर कोई यहाँ से जाता है उसने कंप्यूटर नहीं सीखा है, वो एग्ज़ाम के टाइम पे कंप्यूटर सीखेगा या क्वेश्चन करेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू बिगिनर्स हु आर नॉट एक्वेंटेड विद द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कि इसको आप सही से देखें। तो ये सब इसमें चेंज हुआ है, ये सब इसमें है, और इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये मोटा मोटा जो बताना था वो मैंने बताया कि इनका जो मेन मोटिव है वो क्या है, किस तरह के एग्ज़ाम्स होंगे, क्या क्या करे हो जाएगा इसमें। तो फिलहाल पहला स्टेप आपका रहेगा, आप कंप्यूटर सीखें, ठीक है, आप कंप्यूटर सीखें। ये तो आपका अगस्त में होगा, आप अगस्त में कंप्यूटर सीखें, और फिर अक्टूबर में आप अप्लाई करेंगे, साथ साथ में आप इन वीडियोस को भी देखें, बायोलॉजी के वीडियोस। हो सकता है मैं भी आज से जो पढ़ाने का जो स्टाइल है वो चेंज करूँगा आज से, हो सकता है ज़्यादा डिफिकल्ट बनाऊँगा मैं पढ़ा जो वीडियोस होते हैं, तो क्लासिकल पे हो सकता है कम ध्यान दिया जाएगा, मैक्सिमम जो आपका सिलेबस बायोलॉजी की अगर बात करें, जो आपका मॉलिकुलर बायोलॉजी का सिलेबस है, या जो कॉम्पाउंड्स है, या जो बायोकेमिकल, जो बायोकेमिस्ट्री आपका आपके सिलेबस में है, हो सकता है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएं।
तो हो सकता है एनवायरनमेंट साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि आप आजकल के आप देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट साइंस जो है इसका काफ़ी इस वक्त इकोलॉजी की प्रॉब्लम हैं, तो हो सकता है कुछ साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो बहुत कुछ चेंज आ जाएगा, अब धीरे धीरे देखने को मिलेगा। होप कि आपने इस वीडियो से फ़ायदा उठाया होगा कि किस तरह के चेंजेस आ जाएंगे, NTA क्या है, और ये स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं, जो भी गवर्नमेंट ने काम किया है और जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है, दैट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट को हमेशा फ़ायदा मिलता है, उसी स्टूडेंट को फ़ायदा मिलता है जो बेस्ट है। इसलिए जो मोटिव रहता है गवर्नमेंट का कि बेस्ट स्टूडेंट को आगे लाएं, और जो बेस्ट स्टूडेंट नहीं है, जो जो इंटेलिजेंट बॉय नहीं है, उसको आगे ना लाया जाए, ताकि सोसाइटी में एक चेंज आ जाएगा। आपके पास जो आपका इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, बहुत ही एफिशिएंट काम करने वाला, अकाउंटेबल, और आपको कुछ देने वाला होगा। तो विद दिस वर्ड्स आई होप यू माइट हैव एन्जॉय दिस वीडियो। एंड इसके द्वारा अगर इसके साथ में कुछ और आता है NTA के इसमें कोई भी चेंज आता रहा है कहीं पे कुछ, मैं आपको भी बताऊंगा साथ साथ में। फिलहाल आपका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।